यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के जिन विधायकों और पूर्व विधायकों को लेकर विधायकों का जो इनकम टैक्स राज्य सरकार गलती से भरती रही है, उन्हें अब ये पैसा लौटाना पड़ेगा। इनमें ज्यादातर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल के नेता हैं। एक अनुमान के अनुसार इनसे 50,000 से 3,00,000 रुपए तक की वसूली की जाएगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार ये रिकवरी शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें, पूर्व विधायकों की पेंशन से हर महीने 15,000 और मौजूदा विधायकों के वेतन से 30,000 रुपए काटे जा रहे हैं। मामले का खुलासा हरियाणा विधानसभा के राज्य जन सूचना अधिकारी की तरफ से एक आरटीआई के दोबारा दिए गए जवाब से हुआ है। हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार को पहले जवाब में सरकार ने कहा था कि विधायकों के आयकर के तौर पर 48,00,000 रुपए का भुगतान गलती से किया गया है। वहीं दोबारा दिए गए जवाब में कहा गया कि यह आंकड़ा 2.87 रुपए करोड़ रुपए का है। असल में विधायकों के वेतन पर हरियाणा सरकार वित्त वर्ष 2010-11 से आयकर का भुगतान कर रही थी। इसकी रिकवरी रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करने का विकल्प था, लेकिन राज्य में पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई भाजपा सरकार के ज्यादातर विधायक इस रिकवरी के दायरे से बाहर थे। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छूट के बजाय रिकवरी का रास्ता चुना। आपको बता दें कि पंजाब में करीब 3 महीने पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार ने फैसला किया था कि मुख्यमंत्री, उनके सभी मंत्री, नेता, विपक्ष और अपने वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान अपनी जेब से करेंगे।